राष्ट्रीय एकता संगठन ने किया पुलिस का सम्मान। बरेली जनपद में शांति सौहार्द बनाए रखने को लेकर राष्ट्रीय एकता संगठन ने पर बिहारीपुर झगड़ा बाली मठिया पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अधिकारी और पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। सम्मानित में सीओ प्रथम अशोक कुमार, थाना किला प्रभारी मनोज कुमार कोतव, ली इंचार्ज गीतेश कपिल, बिहारीपुर चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह, जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज चमन, कुतुबखाना चौकी इंचार्ज, सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज, जंक्शन चौकी इंचार्ज सिद्धार्थ वर्मा, चौकी चौराहा चौकी इंचार्ज, सिविल लाइन चौकी इंचार्ज, मलूकपुर चौकी इंचार्ज रजनीश कुमार आदि को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद खालिद, नीरज रस्तोगी, कौशिक टंडन, मनोज भारती, मोहम्मद नबी, नीतू मेहरोत्रा, भारती चौहान, मुकेश मेहरोत्रा सभासद आदि मौजूद रहे। स्वागत करते हैं आयोजन रखा गया है। शहर में जगह जगह पर हम लोग किसी तरीके से समान सपना तालियों से सभी लोग मेरा नाम डॉक्टर नीतू शर्मा है। आज ये जो पुलिस प्रशासन और जनता के बीच जो मीटिंग आयोजित हुई है वो शांति मीटिंग है, क्योंकि आगामी जो होली का त्यौहार आ रहा है उसके लिए प्री प्रिपरेशन चल रहा है कि हम लोग, वैसे भी बरेली अपनी गंगा यमुनी तहजीब के लिए हमेशा से फेमस रहा है, जहाँ एक तरफ दरगाह आला हजरत है और दूसरी तरफ खानकाह नियाजिया है और बीच में वहाँ पे होली होती है बवनपुरी में, जो रामलीला शुरू होती है होली पर। तो इसलिए ये आयोजन की हुआ है इस शांति कमेटी का, क्योंकि यहाँ पर होली पर राम बारात निकलती है और दो बार निकलती है, एक बार रंग से भरी हुई निकलती है जिसमें सब लोग हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर उस बारात का स्वागत करते हैं, और ऐसे ही दूसरी एक रथ यात्रा निकलती है थोड़े दिन बाद, उसमें भी सभी लोगों का सहयोग रहता है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और मैंने देखा है कि जब उर्स होते हैं तो जायरीन जो आते हैं उनके स्वागत के लिए हिंदू लोग अपना घर खोल देते हैं, अपनी दुकानें दे देते हैं, तो ये सौहार्द जो है वो कायम रहता है, और इसीलिए बरेली को बहुत ही बढ़िया मजहबी तौर पे माना जाता है। भारती चौहान, किस पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी से। मीटिंग का क्या उद्देश्य? आज जो मीटिंग रखी गई है पुलिस प्रशासन और जनता के बीच में तालमेल से हम जो सौहार्द बना सकते हैं और जो हमारी बरेली की गंगा जमुनी सभ्यता थी उसको हम बनाए रखने के लिए ये मीटिंग रखी गई है, और मुझे लगता है ये पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा एक पहल कदम है। और जिस तरीके से पूरे देश में हम देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है, और तो उस बीच में इस तरीके की मीटिंग रखने से जो संवेदनशील एरिया में हमारा बरेली आता था, तो अभी इस बार हमने देखा है कि बरेली में त्यौहार भी आ रहा है और किसी तरह की कोई भी घटना बरेली में नहीं हुई है। और पुलिस ने का एक सबसे अच्छा कार्य रहा कि इन्होंने सीएओ एनआरसी के बारे में सम्मेलन कर करके लोगों को बताया और समझाया भी। तो इस तरीके से कोई अगर ज्ञापन देते हैं या कोई भी प्रोटेस्ट भी हुआ तो पुलिस ने बड़े से बड़े मतलब लोगों से, नेताओं से बात करके और उस चीज़ को टाला भी, अपना रसूख का भी इस्तेमाल किया और उसका मतलब सहयोग भी किया। तो मुझे इस चीज़ में पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छा पहल रही। कोतवाली थाना क्षेत्र में जो आज मीटिंग आयोजित की गई थी, इसका मुख्यतः दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि विगत माह में जो भी घटनाक्रम हुए उसमें यहाँ की जनता ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने विवेक से काम लिया, इसके लिए यहाँ की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमारे शहर की पूरी पुलिस टीम यहाँ पर उपस्थित हुई थी। दूसरा, जो आगामी त्यौहार है होली का, उसको सफल संपन्न कराने के लिए जनता से अपील की गई है, उनका सहयोग मांगा गया है, लोग सहयोग करेंगे, कार्यक्रम को सफल संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय एकता संगठन के बैनर तले लोगों ने आज पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए उनको सम्मानित किया है।
इसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, शांति और अमन के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। आज जिस तरीके का माहौल है, उस तरीके का माहौल काफ़ी चिंताजनक था, और हम ये मीटिंग करके यही साबित करना चाहते थे कि यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब लोग सद्भाव से रहते हैं और अमन चैन के लिए हम लोग लगातार काम करते रहे हैं राष्ट्रीय एकता संगठन के साथ और करते रहेंगे। आज सम्मान भी किया गया है जी, आज सम्मान भी किया गया है संगठन की तरफ से सभी लोगों का, हमारे सीओ साहब का और इंस्पेक्टर साहब का। तो ये संगठन की तरफ से एक संदेश देना चाहते हैं कि अमन चैन के लिए ये गंगा जमुनी तहजीब जो है वो हमेशा कायम थी और कायम रहेगी। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।